प्रिय भक्तों, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। बारात आई और बारात दुल्हा मंडप के नीचे था, कन्यादान की रस्म हो रही थी कि लड़के ने कहा कि मुझे तो गाड़ी चाहिए चार चक्के की। लड़की का पिता सहम गया, बोला, भाई आपसे हमारी ये बात नहीं थी, हम गरीब हैं, जो बात हुई थी वो दिया, गाड़ी की बात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे सकते। लड़का बोला तो मैं चला, मैं विवाह नहीं करूंगा। लड़की का बाप था बेचारा, बेटी की विवाह की आधी रस्म हो गई है, मंडप से लड़का भाग जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। डर के मारे उस पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और 8-10 लाख की गाड़ी खरीदी, 4-व्हीलर, और उस लड़के को गाड़ी गिफ्ट की। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी चला रहा था कि अचानक सामने कोई भिखारी अपाहिज बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था, अचानक सड़क में आ गया। उसने ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर उस अपाहिज के बगल में खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। वो आदमी बोला, क्यों रे अंधे हो, देखकर चल नहीं सकते, गाड़ी आ रही है, यहां वहां देख नहीं सकते, कमा कर खा नहीं सकते, भिखमंगों की तरह भीख मांगते रहते हो। उसकी पत्नी निकल करके और 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया, भैया क्षमा करो। पति बोला, क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये कमा कर खा नहीं सकता। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, सुनिए, ये कमा कर इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि अपाहिज है, ये भीख इसलिए मांगता है क्योंकि मजबूरी है, अपाहिज है इसलिए मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से मांगा, क्या वो भीख नहीं थी। आप दहेज मांगकर गाड़ी लेते हैं, उसे आप भीख नहीं मानते, और ये तो मजबूर है, अपाहिज है, पांव टूटा है, वैसाखी लेके चल रहा है। मेरी मां, क्या दहेज मांगना भीख मांगने जैसा नहीं है? जोर से है तो आप अपने बेटे को, और जितने पिता बैठे हैं और जितने बेटे बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप अपने बेटे को और अपने आप को इतना शिक्षित बनाना और इतना योग्य बनाना कि तुम्हें दहेज की भीख ना मांगनी पड़े। योग्य लड़की लेकर आओ साहब, लड़की लाओ, विवाह करो, लेकिन मांगना पड़े कि साहब दहेज में गाड़ी। जिस दिन मांगना उसके पहले मर जाना।